एक आईसीसी इवेंट जब होता है, चाहे आप ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें या फिर T20 वर्ल्ड कप देख लें या कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो उसमें पहुंचने के लिए जितने भी क्वालिफायर्स होते हैं उसमें इतनी जद्दोजहद जो की जाती है सारी एशियन टीम्स की तरफ से, उसके पीछे बहुत वैलिड रीजन्स भी रहते हैं और बहुत सारे रीजन्स रहते हैं कि आखिर हमें क्यों T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है या फिर हमें क्यों ऐसे ओडीआई वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करना है या हमें एशिया कप में क्वालिफाई करना है। बड़े इवेंट्स पर जाने के पीछे इतना ज्यादा जो टीमें कोशिश करती हैं, लगी रहती हैं, बहुत लड़ाई करती हैं, फाइट करती हैं, उसके पीछे जो रीजंस है वो बहुत ही ज्यादा जगजाहिर है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें ये इवेंट जो है वो लेकर आते हैं। और उसमें सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहली जो चीज होती है वो है एक्सपोजर। बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती बिल्कुल है एक्सपोजर, जो टीम्स अपने साथ अपने तरफ जोड़ना चाहती हैं जब वो इस तरह की इवेंट्स में जाती है, क्योंकि जब आप एशियड्स में खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एशियड्स तक ही आप चीजें बंधे हुए रह जाते हैं, लेकिन आप जब इस तरह के इवेंट्स पर खेलते हैं और सामने आपके फुल मेंबर्स होती हैं और पूरी दुनिया जब देख रही होती है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है। चाहे आप एशिया कप में जाकर खेले या फिर T20 वर्ल्ड कप खेले, ODI वर्ल्ड कप खेले से भी नीदरलैंड्स गई आप देखिए, बिल्कुल नीदरलैंड्स जी ने हाँ जो वर्ल्ड कप में जो अपना नाम कमाया, जो छाप छोड़ी है ODI वर्ल्ड कप में, वो काबिले तारीफ थी। दो मैचेस भी वो जीत कर आए, उसके बाद पूरा एक उसके बाद वो 10 टीमों के वर्ल्ड कप में जाकर क्वालिफाई कर आ गए और जरूर बहुत क्लोज थे चैंपियंस ट्रॉफी में भी क्वालिफाई करने के लिए, अगर उन्हें एक जीत और यहाँ पर मिल जाती तो एक अलग लेवल का एक्सपोजर लेकर आता है। तो एक्सपोजर तो पहली चीज हो गई, एंड उसके बाद आपको और क्या क्या चीजें नजर आती हैं जो इस तरह के इवेंट्स पर जाने पर टीमों को बहुत फायदा होता है एज एन एसोसिएट टीम्स खास। नहीं जरूर। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि पूरे साल जो टीम जो कोई नाम नहीं लेता या कमजोर समझा जाता है एसोसिएट को जो फुल मेंबर्स के तरफ से, या फिर अनोखी अनोखी बातें कही जाती है कमेंटेटर्स की तरफ से कि ये प्लेयर के बारे में इन्फॉर्म नहीं होते जो क्रिकेटर्स हैं जो कमेंट्री करते हैं वर्ल्ड कप जैसे इवेंटों पर, ICC इवेंट्स पर, वहां पर जाकर और देशों में अपना छाप छोड़ना किसी टीम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर मान के चलिए नीदरलैंड्स या आपके इसी वर्ल्ड कप में देखिए युगांडा आ रही है, कनाडा आ रही है, इनके प्लेयर्स अगर यहाँ परफॉर्म करेंगे तो कहाँ से कहाँ नाम नहीं होगा, किस किस देश में नाम नहीं होगा। एक धमाकेदार परफॉर्मेंस आ गई फुल मेंबर्स के खिलाफ तो वो जहन में रहता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है कि यार एक ऐसा प्लेयर था जिसने 2024 वर्ल्ड कप में ऐसा परफॉर्म किया था। आप अगर देखें आज भी याद है एशिया कप में हांगकांग का परफॉर्मेंस इंडिया के खिलाफ, वो कैसे याद है, क्योंकि वो कुछ किया वहां पर, कुछ इतनी बड़ी पार्टनरशिप 172-174 रनों की अंशुमन रथ के साथ लगाई गई वो पार्टनरशिप, वो आज भी याद रहती है, और लोग कई इंडियंस को वो पार्टनरशिप याद भी है, भूले नहीं है। तो इसलिए ऐसे इवेंट पर आकर फुल मेंबर्स के अगेंस्ट जो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, टीम परफॉर्म करती है एसोसिएट की, वो लॉन्ग टर्म याद रहता है, बहुत फायदा होता है बाहर के देश में अपना नाम कमाने के लिए, ताकि उन्हें भी याद रहे कि अच्छा ये टीम है इनके ये प्लेयर्स। बिल्कुल, और इसी कड़ी में आज नीदरलैंड्स का अगर मैं बात करूं, जी हाँ जरूर साउथ जरूर अफ्रीका, जब भी नीदरलैंड साउथ अफ्रीका भिड़ती है अब न्यूट्रल ऑडियंस को, मतलब इन दोनों के फैंस के अलावा जो दो लोग हैं उनको भी पता होता है कि हाँ अरे इन दोनों में तो जबरदस्त कॉन्टेस्ट चल रही है। सॉरी सॉरी, लेकिन आप खुद ही देखिए, अब पिछले साल 2023 ODI वर्ल्ड कप में हमने देखा धर्मशाला में क्या भीड़ थी, हाउसफुल था पूरा। आप सोचिए नीदरलैंड साउथ अफ्रीका का मैच और वहां पर ऑलमोस्ट हाउसफुल मैच था। वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ, आपने बिल्कुल सही कहा कि नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को 2022 में जिस तरीके से हराया, जिस तरीके से एक एक वन वे गेम को उन्होंने अपनी तरफ वन वे गेम बना दिया, वो लोग भूले नहीं थे और वो 2023 में भी कंटिन्यू रहा नीदरलैंड की तरफ से। बिल्कुल, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप दूसरे जो देश के जो फैंस हैं वो भी कमा सकते हैं इस तरह के इवेंट्स पे, और वो एक और चीज आपके सामने लेकर आती है। फिर आप अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो नो डाउट कि सिर्फ आप तो यहाँ पर सिर्फ फेम के लिए, एक्सपोजर के लिए नहीं, बल्कि साथ साथ आप अपने पैसे भी, यानी जो मनी है वो भी यहाँ पर अनका सुना छुपा नहीं है। डेफिनेटली बात है कि आप जैसे जैसे स्टेज क्लियर करेंगे, एक एक मैच जीतने के आपको यहाँ पर एक अलग एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलता है, जिसके बारे में आगे हम बात जरूर करेंगे, अमाउंट मिलता है, राउंड क्लियर करेंगे तो आपके पैसे और बढ़ते चले जाएंगे, आप कुछ दो मैच एक के बजे दो मैच जीतेंगे तो आपके पैसे और बढ़ते चले जाएंगे। तो वो पैसे कितने इंपॉर्टेंट है एज एन एसोसिएट टीम्स के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। तो वहां पर भी आपको फंड्स की भी तरफ से भी प्रॉफिटेबल रहेगा, फंड्स आपको कुछ यहां से मिल सकते हैं, उसके बाद एक्सपोजर आपकी टीम को मिलेगा, और उसके बाद आप दूसरे देशों में अपने परफॉर्मेंस की छाप भी छोड़ सकते हैं कि देखिए हम किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं बड़े स्टेजेस पर परफॉर्मेंस करने का मौका लगातार मिलना चाहिए। और इस कि परफॉर्मेंस अगर बड़ी इवेंट्स परफॉर्मेंस होगी ना, तो एक चीज और यकीन मानिए कि हमें आने वाले वक्त पर स्लॉट खास करके T20 वर्ल्ड कप में और बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जरूर जरूर, इसी तरह क्योंकि परफॉर्मेंस अगर तगड़ी हुई तो फिर शायद हमें स्लॉट और बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि कभी कुछ कुछ फुल मेंबर्स इतना डर जाते हैं कि आज से कहते हैं कि स्लॉट कम कर दो, क्योंकि क्या कहेंगे इस पे आप। नहीं जरूर, देखिए एक चीज तो इससे मैं थोड़ा सा इसी से एक बात को घुमाना चाहूंगा थोड़ा सा,
कि ये जो साल भर जो ये बहुत होता है एसोसिएट के साथ वादा कर लेते हैं मेंबर्स कि हम आपके यहाँ दौरा करेंगे, हम आपको बुलाएंगे अपने कंट्री में क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन होता नहीं, ये कैंसिल हो जाता है बीच रास्ते में, जैसे कि पाकिस्तान ने नीदरलैंड के साथ किया, आधे रास्ते में उनको छोड़ दिया और मई की जो सीरीज थी वो पोस्टपोन हो गई या कैंसिल ही हो गई पूरी तरीके से। तो ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पर आप फुल मेंबर के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं कि आपने जो किया था सीरीज कैंसिल की थी या आपके आपकी जो आप जो सोचते हैं, क्योंकि बोर्ड वाले हैं आप देखेंगे बहुत बोर्ड वाले ये सोचते हैं कि एसोसिएट के खिलाफ क्या खेलना, क्या टीम है एसोसिएट, क्या एक्सपोजर देगी, क्या ही पैसा देगी, क्योंकि बड़े बोर्डों को सिर्फ पैसा चाहिए, क्रिकेट से कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आकर इस इवेंट पर आकर जो काम जवाब देना है आंखों में आंखें डालकर और सिर्फ हरा कर जवाब देना है, आई एम सॉरी, लेकिन यहाँ पर जो जवाब आपको बोर्ड को देना है फुल मेंबर को टक्कर रखकर देगा, नहीं सॉरी। देखिए नीदरलैंड्स का जो था नाम अचानक से उठा है वो हराने लगे हैं, बस इसलिए बहुत ज्यादा आप देखेंगे स्कॉटलैंड ने जिस तरीके से हराया है, वेस्ट इंडीज को भी हराया, फिर इंग्लैंड को भी उन्होंने किस तरीके से हराया, और नीदरलैंड ने तो खैर वो पीछे ही पड़े हुए फुल मेंबर्स के, और इंग्लैंड को तो अभी हराना है नीदरलैंड को T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। बिल्कुल, तो ये एक काम है जो एसोसिएट टीम को करना है, मुंह की खानी होगी फुल मेंबर्स को जब वो एसोसिएट के खिलाफ भिड़े, ये मेक श्योर करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हड्डी टूट जाए, खून फट जाए, कुछ भी खून निकल जाए, लेकिन फुल मेंबर्स को यहाँ हराना होगा, ये दिखाने के लिए कि आप साल भर जो हमसे बात नहीं करते, हमारे साथ सीरीज कैंसिल कर देते हैं और कॉपरेट नहीं होता ठीक से, पैसा तो आप खा ही चुके हैं हमारा पूरा फुल मेंबर्स वाले, यहाँ पर आकर उनको हिंदी में सीधा कहें तो सीधे तौर पर आप दिखाइए कि आप में कितना दमखम है, आपसे भी तो आपके टक्कर के हैं, आप लोग खेलते नहीं है इसलिए छोटा समझते हैं इसलिए, और ये सीधी सी बात है, आप फुल मेंबर्स पहले भी कहा है, हमने पहले भी कहा है अगर क्वालिफायर्स हुए सभी के लिए, अगर क्वालिफिकेशन प्रोसेस हुआ सभी टीमों के लिए, यकीन मानिए चार से पांच फुल मेंबर्स घर में टीवी में बैठकर T20 वर्ल्ड कप देख रही होंगी, अगर क्वालिफिकेशन प्रोसेस सभी के लिए हुआ जैसे फीफा का वर्ल्ड कप यहाँ पर होता है, बस ये काम एक्सपोजर मनी फेम ये बहुत अच्छा है, यहाँ आकर खूब खूब मिलेगा, लेकिन ये एक काम प्लीज सारे एसोसिएट से उम्मीद है डेलीगेट करेगा कि ये एक काम करिए कि फुल मेंबर को किसी भी बलबूते पे जवाब दीजिए और हरा कर उन्हें थोड़ा सा मुंह की खाने। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप किसी फुल मेंबर से हारते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कुछ और मजाक नहीं है, लेकिन आपने अगर किसी फुल मेंबर को हरा दिया तो वो एक भले वो वर्ल्ड कप भी जीता लेकिन एक हार मुझे हमेशा तंग जरूर करती हुई नजर आएगी कि हमने सब कुछ तो जीता लेकिन इनसे जो हम हारे वो अभी भी हमें कहीं ना कहीं टीज कर रहा है, और वो टीज लगती है जब भी वो हारते हैं इस तरह के मैचेस में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, साउथ अफ्रीका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से खेलने में शायद मैं नर्वस नहीं होगा, उतरने के दिन वो नर्वस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो जाती है, और वो तो नीदरलैंड इंग्लैंड साथ में नहीं है, नीदरलैंड इंग्लैंड भी बहुत नर्वस होते हैं, इंग्लैंड वाले भी नीदरलैंड के सामने चीज है। और एक चीज है जिससे थोड़ा सा बचना होगा एशियन टीम्स को, वो है जो ओवर ड्रामेटिक चीजें करते हैं कमेंटेटर्स हो या फिर जो जर्नलिस्ट वगैरह है और जो पूर्व फॉर्मर क्रिकेटर्स है, जैसे आपको याद होगा जब नाविया ने श्रीलंका पर आया सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट किया 2022 में नाम याद रखना रहिएगा, पूरे आपके मैचेस कंप्लीट हो, अपना जो परफॉर्मेंस है, अपना जो फोकस है वो कंप्लीटली परफॉर्मेंस पर आपको होनी चाहिए, ये सब चीजें आपको ही पता है, ये सिर्फ 5-6 दिन की बात है, उसके बाद यही प्लेयर्स लोग एसोसिएट को वैल्यू तक नहीं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस यही कहानी हो जाती है। ये जितनी भी तारीफ हम बटोरते हैं वो देखिए बाकी 11 महीनों में तरस जाती है टीमें बाकी बीच के वक्तों में कि कोई फुल मेंबर से आए, इतने जो लोग इतनी चर्चा इतनी तारीफें करते हैं वो बाकी टाइम में ऐसे गायब होते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, कोई जैसे कोई आप कह सकते कि कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गया कि अगर छुएंगे तो हमें भी हो जाएगी, बाकी वक्त ये सब कहाँ रहते हैं जो इतनी तारीफ करते हैं, इतनी पुलें बांधते हैं दुनिया भर की, लेकिन बाकी 11 महीने में सांप सूंघ जाता है जब भी एसोसिएट की जरूरत पड़ती है या कोई आकर कहे। अब देखिए सचिन या फिर कोई भी और प्लेयर हो दूसरी टीमों के हो, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी वगैरह कोई भी हो किसी भी टीम उठा ले, क्या ये आकर अपनी तरफ से ये बात बोर्डों पर नहीं रख सकते, सामने आकर नहीं रख सकते कि नहीं हमें एसोसिएट के लिए कम से कम एक सीरीज अपने देश की तरफ से करानी चाहिए, हर साल हमें किसी एक एसोसिएट टीम की तरफ दौरा करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करते, कभी हमने नहीं सुना कि ये फॉर्मर क्रिकेट
थिंकर्स हो या कोई भी हो जो इनिशिएटिव इस तरह की ले, या फिर कोई ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर्स हो जो अपने मर्जी से मतलब अपने ही फ्रेटरिटी में घूमते रहते हैं क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है उस चक्कर में अपनी मर्जी से, ऐसे कोई फाउंडर क्रिकेटर वसीम अकरम मान लीजिए, कोई भी हो जी मान लीजिए इस तरह से हो कि चलिए यार मैं काम करता हूँ, मैं अभी थोड़ा सा फ्री हूँ, क्यों ना मैं किसी एशियन टीम का दौरा करता हूँ, किसी एशियन टीम का दौरा करता हूँ, उन लोगों के साथ 7-8 दिन 10 दिन बिताता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आपने इतना कुछ सीखा, आपको लेजेंड कैटेगरी में लोग डालते हैं और उसके बाद आप एक एक चीज सिखाने के लिए अगर आप पैसे लेते हैं, डेफिनेटली आपका एक बिजनेस अलग है, वो आप जरूर करिए। लेकिन क्या साल में एक बार भी आपका जमीर नहीं जागता कि जिसकी हम तारीफ एक T20 वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं लेकिन बाकी वक्त पे तो हम उनके लिए कुछ इनिशिएटिव भी नहीं लेते? ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजों से भी थोड़ा बचने की कोशिश करेंगे। सबसे आपको बहुत सुनने को मिलेगी, ढेरों ट्वीट ढेरों कमेंटेटर पता नहीं क्या क्या बोलते फिरेंगे, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि बाकी 11 महीने में सब लड़के करते क्या है, कहां जाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बस यही था हमें कि स्टूडेंट वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीजें हैं गेन करने के लिए, किसी भी सर्वस्थ मिस आउट मत करिए, एक्सपोजर हो दूसरे कंट्रीज में, अपने फैंस बना हो, उसके बाद मनी हो अगर आप फाइनेंस की बात करें, और उसके साथ साथ फुल मेंबर्स को जवाब देना कि जिस तरह से वो चीजें हरकतें करते हैं साल भर, साल भर की हरकतें रहती हैं, वो सिर्फ दावे दावे ही रह जाते हैं, वो कभी भी ऑन रियलिटी ग्राउंड पर उतरते नहीं है उन सब चीजों पे भी। और जैसी सी बात, अगर आप फुल मेंबर्स को मान देते हैं तो फिर आपके फुल मेंबर्स की तरफ से भी बायलैटरल सीरीज वगैरह के चांस बढ़ने लग जाएंगे और अट्रैक्शन वो भी यहाँ से होते हुए नजर आएंगे। बस यही हाल है, बाकी सारे न्यूज और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत नजर रहेगी, बहुत उम्मीद है क्योंकि इस बार 9 टीम्स है, अगर हम 6-3 को हटा भी दें, इनका फर्स्ट टाइमर है फिर भी 6 है, उनसे बहुत उम्मीद है कि आपकी परफॉर्मेंस पे एक जबरदस्त स्पाइक आना चाहिए और ताकि ये सारी चीजें आपको मिल सके फिलहाल। और पहला वर्ल्ड कप युगांडा का, तो उनके लिए एक अच्छा अलग से छाप अगर वो छोड़ते हैं तो बहुत ही बेटर यहाँ पर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, बंद रहे डेल के चैनल के साथ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करते हुए जाएंगे।